खुद डरे नहीं और ना ही दूसरों को डराएं, कोरोना वायरस के प्रति सबको जागरूक बनाएं। नमस्कार, मैं हूं अशफाक अंसारी और आप देख रहे हैं न्यूज ऑफ हंटर्स। अगर आप फेसबुक चलाते हैं तो आपके लिए ये खबर देखना बेहद ही जरूरी है, क्योंकि फेसबुक पर एक ऐसा गिरोह सक्रिय है जो फर्जी FB ID बनाकर आपके दोस्तों को और आपके रिश्तेदारों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकता है, जिसके बाद मैसेंजर पर मैसेज करके आपसे पैसे की डिमांड कर सकता है। अगर आपने उस मैसेज को गंभीरता से ले लिया तो आप अपने हजारों लाख रुपए गंवा सकते हैं। वैसे फेसबुक चलाने वालों को अक्सर फ्रेंड रिक्वेस्ट आती रहती हैं। कुछ फ्रेंड रिक्वेस्ट ऐसी होती हैं जो आपके पहले से ही फ्रेंड लिस्ट में जुड़े हुए होते हैं। फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने से पहले अच्छी तरह से उस प्रोफाइल की जाँच कर लें, कहीं यह फ्रेंड रिक्वेस्ट किसी फर्जी ID से तो नहीं भेजी गई है, क्योंकि फेसबुक पर एक फर्जी ग्रुप सक्रिय है जो किसी की भी प्रोफाइल बनाकर आपके लिए फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकता है। बीना में पहले भी कई बार फर्जी ID के द्वारा फ्रेंड बनकर मैसेंजर पर पैसे की मांग की गई है। अभी कुछ दिन पहले खिमलासा के एक पत्रकार प्रतिपाल सिंह राजपूत के साथ भी यही हुआ था। उनकी फर्जी फेसबुक ID बनाकर पैसे की डिमांड की गई थी और अब बीना के एक सरकारी डॉक्टर डॉक्टर अवतार यादव की फर्जी ID से उनके दर्जनों दोस्तों को मैसेंजर पर मैसेज भेजकर पैसे की मांग की गई है, जिसकी उन्होंने पुलिस में शिकायत की है। आपको ज़रूरत है सतर्क रहने की, जिससे फेसबुक के ठग गिरोह से बचा जा सके। करीब 4 महीना पूर्व मैं प्रतिपाल राजपूत के नाम से अपनी फेसबुक चलाता था और फेसबुक के माध्यम से मेरी किसी दिल्ली की एक ममता नाम की लड़की ने हैंग किया था और मेरी पत्नी के बीमारी के चक्कर में सभी मेरे दोस्तों से पैसा मांगे गए थे। खिमलासा के निवासी संजय ठाकुर ने मेरे अकाउंट उस फर्जी अकाउंट में 10,000 रुपये डाल दिए थे। ये एक बहुत बड़ा गिरोह चल रहा है जिसे लोगों के साथ ठगी की जा रही है। कृपया सभी से निवेदन है कि अपना बचाव रखें और सुरक्षित रहें। मैं डॉक्टर अवतार सिंह यादव, शासकीय चिकित्सक, बीना में पदस्थ हूँ। विगत 2 दिन पूर्व कुछ असामाजिक तत्व द्वारा मेरी एक और फेसबुक ID तैयार की गई है, जिसमें मेरी कवर फोटो एवं प्रोफाइल फोटो हूबहू वैसी ही है जैसी मेरी ओरिजिनल ID में है। मेरी ID में जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको रिक्वेस्ट भेजी जा रही है और रिक्वेस्ट में बात करने के उपरांत उनसे पैसे की मांग की जा रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को अवगत कराना चाहता हूं कि यह मेरी ओरिजिनल ID नहीं है एवं यदि कोई व्यक्ति पैसा मांगता है तो पैसा बिल्कुल ना दें और ऐसी ID से सावधान रहें। धन्यवाद। एक्चुअली ये अभी एक ट्रेंड चल रहा है कुछ एक संगठित अपराधियों के द्वारा कि फेसबुक के माध्यम से फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजकर जो भी उनके मित्र का रोल करके उनसे पैसों की मांग की जा रही है। कई लोग घबराहट और जल्दी के मारे उनको पैसे शेयर भी कर देते हैं और उनके साथ में 10,000-15,000 रुपये की 420 भी हो जाती है। तो इस तरह के मामलों को रोकने के लिए ये हमारा एक सुझाव और आग्रह है कि कोई भी अगर इस तरह की आपके पास फ्रेंड रिक्वेस्ट आ रही है या कोई पैसे की डिमांड की जा रही है तो कोई भी आपका मित्र हो उससे आप एक बार फ़ोन लगा के बात करें, उसकी क्या परेशानी इसके बारे में भी जानकारी लें और वास्तव में उसने इस तरह के पैसों की डिमांड की है या नहीं। अगर आप एक बार उससे बात कर लेंगे तो आप इस तरह की जो कार्रवाई हो रही है उससे आप बच जाएंगे, आप पैसे नहीं जाएंगे। और जिनके साथ भी ऐसे घटनाएं हो रही हैं वो एक बार फेसबुक के माध्यम से ये भी उनको जानकारी में आता तो लिख दे कि मेरी फेसबुक ID हैक की जा चुकी है और आप इसमें किसी की बात में आकर किसी तरह का भी कोई लेन देन या पैसे में से डालने की कार्रवाई न करें।